तो दोस्तों ये है एंकर फास्टनर, दोस्तों ये प्रेशर पंप के लिए। तो दोस्तों अब हमने फास्टनर लगा दिया है। दोस्तों मैं गीजर को कर देता हूँ बंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों मैं प्रहलाद। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा गीजर किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है। दोस्तों गीजर इंस्टॉलेशन करना काफ़ी आसान है, बस इसमें कुछ छोटी सी बात हमें याद रखनी वाली और ध्यान रखने वाली बात है जो हमें काफ़ी ज़रूरी है, तो उसके बाद गीजर इंस्टॉलेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा जिससे आप गीजर इंस्टॉलेशन करना आसानी से आ सकता है। तो दोस्तों ये गीजर के इसमें से कोई एक इनपुट है या आउटपुट है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि दोस्तों गीजर इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि गीजर इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है, कौन सी जगह। दोस्तों यहाँ पे पावर प्लग दे रखा है गीजर का, ठीक है, मतलब सॉकेट दे रखा है, और यहाँ पे गीजर है जो कि 15 लीटर का या 10 लीटर का इस जगह नहीं आ सकता है। दोस्तों हमें गीजर कहाँ फिट करना है, इस जगह गीजर फिट करना है। दोस्तों यहाँ से मैंने योजना बना करके मैंने पाइप है वो 2.5 फीट के मैंने पाइप मंगवाए हैं, दो इनपुट और आउटपुट। तो ये सबसे पहले हमें देखना है, और एंकर फास्टनर से ही गीजर लगाना सबसे बेस्ट रहेगा। एंकर फास्टनर कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है एंकर फास्टनर, और ये फास्टनर है 8 mm का, और ये फास्टनर ही मैं लगाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर 8 mm और 10 mm दो ही तरह के फास्टनर मैं अधिकतर लगाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल पार्टीशन है तो मैं 8 mm का ही फास्टनर लगा रहा हूँ। तो 8 mm का फास्टनर होना होता है तो हमें 10 mm का बिट लेना ज़रूरी है, और अगर 10 mm का फास्टनर होता है तो 12 mm का बिट लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ 8 mm शायद आपको कैमरे की नज़र में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये 8 mm का फास्टनर है। तो दोस्तों यहाँ पे गीजर है वो मैं इंस्टॉलेशन करूँगा, तो ये ही मैं यहीं पे फास्टनर लगाऊँगा जो कि 8 mm का फास्टनर लगाऊँगा। अब हमें यहाँ फास्टनर लगाने से पहले हमें गीजर की मार्किंग कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम गीजर को खोल लेते हैं, और गीजर को खोलने के बाद जो गीजर की जो मार्किंग है उसी से हम मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद ही हम फास्टनर का मार्किंग है उसी पे हम खड्डे करेंगे और मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम गीजर को खोल के बताते हैं, और फटाफट ये गीजर को मैं खोल लेता हूँ और गीजर के इंस्टॉलेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। तो गीजर ये किस तरीके का है एक बार देख लेते हैं। अब दोस्तों मैंने गीजर को खोल लिया है, और इस गीजर की कैपेसिटी है 15 लीटर की, और दोस्तों और ये थर्माकोल है, इसके नीचे एक रेड्यूसिंग वाल आया है जो कि सेफ्टी वाल भी कह सकते हो। तो ये है रेड्यूसिंग वाल, तो सेफ्टी वाल भी इसको कह सकते हो। तो दोस्तों ये गीजर के अंदर इनपुट की तरफ लगता है, जहाँ पे हरे कलर का पाइप रहता है वहाँ पे ये लगता है। इससे पानी का प्रेशर ज़्यादा आने पर ये गीजर की टंकी को फटने नहीं देता है, और इसके अलावा पानी है जो वापस रिटर्न नहीं होता है। तो दोस्तों इसका यही मतलब है, और ये सेफ्टी के लिए काफ़ी उपयोगी रहता है। तो दोस्तों ये इस जगह लगेगा, और ये रेड कलर का इस जगह नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसको हम लगा देते हैं, और मैंने यहाँ पे टेप रोल टेप लगा दी है। अब दोस्तों इस रेड्यूसिंग वाल को अब हम यहाँ पे करते हैं फिट, और काफ़ी अच्छी तरीके से ये फिट हो जाता है, और दोबारा यहाँ से पानी लीक नहीं होता है, और टेप रोल मैंने लगा दी है, और उससे काफ़ी सेफ्टी रहेगी। अब दोस्तों मैंने यहाँ दीवार पर मार्किंग भी कर ली है, जो कि गीजर लेकर के और गीजर का साइज लेकर के मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है, और यहाँ मैंने मतलब वायरिंग अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग है उसको देखते हुए और अंडरग्राउंड पाइप देखते हुए उसी अनुसार मैंने इस पर मार्किंग की है, क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रिक का वायर आ रहा है और नीचे ये पाइप है, तो इस पाइप को देखते हुए मैंने साइड के अंदर ही मैंने ये मार्किंग करी है। तो यहाँ पे खड्डा करने से पहले सभी चीज़ों को देखना पड़ता है, यदि आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे और आप तुरंत खड्डा करोगे तो ये शॉर्ट सर्किट या किसी पाइप में खड्डा हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने मार्किंग ली है, ये स्टैंड है गीजर का, और इसी पे हुक है, इसी पे हुक पे ये फिट होगा, तो इसी का साइज मैंने लिया है और इसी साइज लिया है, और साथ में मैंने ये एक लेवल का लेने का स्केल है, तो लेवल स्केल से मैंने ये नाप किया है, तो उसी अनुसार मैंने ये फिट किया है। अब दोस्तों अब हमें खड्डा करना है, खड्डे करने के लिए हमारे पास हैमर मशीन होनी चाहिए जो कि इस टाइप की है, और हैमर मशीन में कितना खड्डा करना है हमारे पास
जो इस तरीके का फास्टनर है जो कि मैंने इस फास्टनर के बारे में पहले ही बता दिया है। तो ये फास्टनर है एंकर फास्टनर, और एंकर फास्टनर की साइज हमें इस तरीके से कर लेनी है, बिट से टच करके जितना हमें खड्डा करना है उतना ही हमें साइज ले लेनी है। तो मैंने उतनी ही साइज ली है। अब मैं इस पर टेप लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टेप लगा दूंगा तो उतना ही खड्डा होगा जितनी हमें ज़रूरत रहेगी, और टेप से आगे हमारा खड्डा नहीं जाएगा दीवार में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टेप कर ली है और फास्टनर को मैंने नाप लिया है, और उतना ही हमें खड्डा करना है जितना हमें फास्टनर की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा खड्डा करेंगे तो हमारा फास्टनर बहुत ही लूज रहेगा। और अब दोस्तों हम करते हैं खड्डा, और खड्डा करने के बाद ये फास्टनर हम आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं खड्डा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी खड्डा कर लिया है, और यहाँ पे मैंने देखा है किसी प्रकार का कोई पाइप नहीं आया है, पानी का पाइप नहीं है और इलेक्ट्रिक का पाइप नहीं है। दोस्तों अब मैं इस तरफ भी खड्डा करके देख लेता हूँ एक बार, पहले थोड़ा थोड़ा खड्डा करके देखना है। तो दोस्तों मैंने इस तरफ भी खड्डा करके देख लिया है, और इस तरफ भी मैंने खड्डा कर लिया है। अब दोस्तों दोनों तरफ से खड्डा हो चुके हैं, और अब मैंने यहाँ पे फास्टनर भी लगा दिए हैं। सिर्फ मैंने अभी फास्टनर अटकाए हैं, और अब हमारे पास एक हथौड़ा होना चाहिए जो कि इस तरीके भारी और मजबूत होना चाहिए, और इस तरीके से ठोकने पर ही आसानी से ये अंदर चला जाए फास्टनर। तो दोस्तों यहाँ पे फास्टनर ठोकने के लिए जोर से और भारी हथौड़ा होना चाहिए जिससे आसानी से चला जाए और फास्टनर कहीं मुड़े नहीं। तो दोस्तों देख पा रहे हो कितनी आसानी से और किस तरीके से ये आसानी से चला गया, और काफ़ी मजबूती से ये फास्टनर फिट हो जाता है। दोस्तों इसी तरीके से फास्टनर है वो लगाया जाता है जिससे काफ़ी आसानी से फास्टनर लग जाता है। यहाँ पे आसानी से लगने का यही कारण था क्योंकि फास्टनर मैंने 8 mm का लिया और मैंने 10 mm का लिया है, और यदि आप 10 mm का फास्टनर लेते हैं तो 12 mm का आपको फिट लेना है। दोस्तों इसी को आप देखते हुए दोस्तों ये हमारा फास्टनर, यदि आप 8 mm का फास्टनर लिए 8 mm का आपकी फिट लेते हो गया, आपकी दीवार भी ख़राब हो जाती है और आपका फिट भी ख़राब हो जाता है। दोस्तों यही बात ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों अब मैंने ये फास्टनर फिट कर दिया है, और अब मैं इस फास्टनर को मैं एक बार लूज कर लूँगा। तो दोस्तों इसको लूज करने से ये बाहर की तरफ आ जाएगा इसका जो नट है। तो दोनों फास्टनर को मैं लूज कर लूँगा और ये आसानी से लूज हो जाएगा, और हमारे पास इस तरीके का पाना रहना चाहिए या फिर चाबी रहनी चाहिए, तो उससे आप आसानी से ये बाहर की तरफ आ जाता है, और उसके बाद ये गीजर फिट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो इसको मैं खोल लेता हूँ फटाफट, तो खोल के बताता हूँ। अब दोस्तों मैंने दोनों फास्टनर को काफ़ी लूज कर लिए हैं, और अब हम गीजर को इन दोनों फास्टनर पे टाकते हैं। तो दोस्तों अब हमने इन गीजर को इन फास्टनर पे मैंने टाक दिया है, और जो मैंने लूज किया उसके अंदर मैंने ये एंगल है गीजर का पीछे का एंगल है ये फंसा लिया है, और अब हम इस पाने से मतलब इस चाबी से हम इन फास्टनर को टाइट कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से ये फास्टनर टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों दोनों फास्टनर मैंने टाइट कर दिए हैं, और जिससे काफ़ी मजबूती आ गई, और अब हमारे को ये दोनों पाइप को गीजर में फिट कर देंगे जिससे कि ठंडा पानी गीजर में जाता रहेगा और गर्म पानी रिटर्न आता रहेगा। अब दोस्तों इसमें हम कनेक्शन कर देते हैं, और दोस्तों अब इसमें हमने कनेक्शन कर दिया है, और ये जो वाल है ये इनपुट का है और ये आउटपुट का है। इसमें ठंडा पानी आता है और ये रेड कलर का है, इसमें गर्म पानी आता है। तो दोस्तों ये गीजर हमारा पूरी तरीके से फिट हो गया, और इस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एंगल वाले दोनों ऑन रहनी चाहिए जिससे कि ये पानी है इसमें कभी कम ना हो। तो दोस्तों दोनों एंगल वाले मैंने ऑन कर दिए है, और दोस्तों अब हम इसका जो गीजर का जो पानी है कम से कम 1 बाल्टी है वो गीजर से निकाल देंगे। दोस्तों गीजर से 1 बाल्टी लगभग निकलेगी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो गैस बनती है वो गैस पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी, एलिमेंट है वो मतलब सूखा नहीं रहेगा, तो एलिमेंट इसमें पूरी तरीके से पानी भर जाएगा और एलिमेंट है पूरा पानी में रहेगा। उसके बाद ही हम गीजर को ऑन कर सकते हैं। यदि इसका पानी है नल से 1 बाल्टी नहीं निकाला और आपने गीजर चालू कर दिया तो इसका एलिमेंट है वो सूखा रहेगा और एलिमेंट फटने के फुल चांस रहते हैं। तो दोस्तों हमें 1 बाल्टी पूरी तरीके से ढोल लेनी है, और जिससे कि एलिमेंट में मतलब गीजर के अंदर पूरी तरीके से पानी भर जाएगा, उसके बाद हम गीजर को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन है बिल्कुल ओके किए पानी
इसके अंदर इनपुट का पाइप है वो इनपुट में ही होगा और आउटपुट का है वो हॉट वाटर का, जो हॉट वाटर में ही होगा, जो कि नीचे पानी डुल रहा है वो हॉट वाटर का ही डुल रहा है। तो अभी ये गीजर बंद है तो इसका पानी पूरा डुलने देते हैं, उसके बाद ही हम गीजर को ऑन करते हैं। दोस्तों इसी तरीके से ये गीजर फिट होता है और ये गीजर फिट करना काफ़ी आसान है। तो दोस्तों लगभग ये पानी हमारा डुल चुका है और करीब एक बाल्टी से ज़्यादा ये डुल चुका है। अब दोस्तों हम गीजर को ऑन करते हैं। तो दोस्तों अब हमने गीजर की पिन लगा दी है और गीजर को स्विच हम ऑन करते हैं। तो दोस्तों इसमें दो लाइट है, दोनों लाइट जल चुकी है, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो दोस्तों यदि इसमें ज़्यादा गर्म पानी होने पर इससे कट ऑफ होता है तो इसमें ग्रीन कलर की लाइट बंद हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो हमने थर्मोस्टेट को सेट करके रखा है वहाँ तक ये पानी गर्म हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद टेम्परेचर वापस नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद में लाइट है वापस चालू हो जाएगी। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं गर्म पानी का, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये लाइट कितनी देर में कट ऑफ होती है। तो दोस्तों ये करीब 5 से 10 या 15 मिनट का समय लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये लाइट है ये कट ऑफ हो गई और ये लाइट है बंद हो गई है और रेड कलर की लाइट जल रही है और यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट है वो बंद हो चुकी है। तो दोस्तों इसका मतलब इसी तरीके से काम करता है गीजर और ये गीजर बिल्कुल ओके है और गर्म पानी भी आने लग गया है। और दोस्तों ये है गीजर का टेम्परेचर सेट करने का स्विच, इससे हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, कंज्यूमर अपने आप इसको सेटिंग करते रहेंगे। तो दोस्तों हाल फिलहाल ये गीजर बिल्कुल ओके हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अभी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। बाय।